सबसे पहले तो गांव में इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इसके बाद शौचालय का काम काफ़ी हुआ है, और जैसे गैस कनेक्शन को लेके, जैसे गांव में जलावन की दिक्कत होती थी तो उस सब पर भी काम हुआ, तो सीधा सीधे उनके घर पे असर है इसका। बहुत सारे घर में गैस के चूल्हे नहीं थे, लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे। आज के लगभग कितने घरों में फ्री के गैस के चूल्हे, एलपीजी कनेक्शन मिल चुके हैं लोगों को। इजी तरीके से गेहूँ चावल हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। लोन में बैंकों में काफ़ी सारे पहले डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने कम कर दिए, इसी तरीके से उन्हें लोन मिलने लगे, उनको काफ़ी बिजनेस सेल्फ बिजनेस करने के लिए चांसेस बढ़ाए गए। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ाया। बहुत से काम ऐसे रुके हुए थे जो नहीं हो रहे थे, लेकिन इस 4-5 साल में बहुत काम किए हैं। और ख़ास तौर से इस जैसे GST का जो कार्य हुआ था, और भी ऐसे नोटबंदी का कार्य हुए थे, इन कार्यों से क्या है, बहुत से लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ाएगा। उनसे ये जाहिर होता है कि गरीबों के अंदर मोदी जी के लिए और BJP के लिए कुछ बड़ा दिल खुला है। हमारे देश में इतने करप्शन भ्रष्टाचार काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा था, फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से काम हो रहा है, जितना भी हो रहा है फेथ हो रहा है, और जब तक मोदी है तो ओनली फॉर मोदी। मैं चाहूँगा कि ऐसे मौका फिर एक बार आना चाहिए, ताकि हमारा देश प्रगति की ओर बढ़े, हमारा देश और आगे की ओर बढ़े। अगर नेक्स्ट 5 ईयर मोदी जी को फिर दोबारा मिला तो इंडिया में मैं ये सकता हूँ काफ़ी चेंजेस आएंगे, और हमारी न्यू जनरेशन के लिए काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। मोदी ही इस देश का भला कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता।